सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में मौन पदयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। बेनियाबाग तिराहे से रजत श्रीवास्तव, जीशान अंसारी व ईशान श्रीवास्तव के संयुक्त नेतृत्व में देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी के दामों, बढ़ते अपराध व किसानों की हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों ने अर्धनग्न अवस्था में हाथ व मुंह बांधकर मौन पदयात्रा निकालकर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता जीशान अंसारी ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी व योगी सरकार युवाओं के प्रति उदासीन व ढुलमुल रवैया अपना रही है, इससे प्रदेश के युवाओं के साथ साथ प्रदेश का भविष्य भी गर्त में जा रहा है। न कोई सरकारी वैकेंसी है, न रोजगार गारंटी की स्कीम है। सरकार को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दे पर काम करना चाहिए, न कि समाज के प्रति उदासीन रुख रखना चाहिए। पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए लोहराबीर स्थित आजाद पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संदीप मिश्रा, हारून अंसारी, सत्यप्रकाश सोनकर, अक्षय पांडे इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सभी समाजवादी साथी रजत श्रीवास्तव और जीशान अंसारी के नेतृत्व में एक मौन जुलूस निकाल रहे हैं। मौन जुलूस निकालने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आज पूरे प्रदेश में और देश में लगातार अपराध चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बलात्कार चरम पे है। तो 100 बात की एक बात, आपके सब अपराध का जवाब हम मौन होके देंगे। और आने वाले समय में क्या आप ये सोचते हैं कि जनता माफ कर देगी? आपका भरम टूट जाएगा। और हम अपनी बातों का जवाब शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से देने का प्रयास करेंगे। अभी बेनिया से हम लोग जुलूस निकाल के पैदल मार्च आजाद पार्क तक लहरा भी जाएंगे और वहां पर आजाद की प्रतिमा को माल्यार्पण कर वहां पर आज हम लोग उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार के खिलाफ जो डीजल, पेट्रोल, गैस हर तरीके से महंगाई की चरम सीमा पार कर गई है, जिससे गरीबों का दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो चुका है, आज उसी की कड़ी में आज हम समाजवादी पार्टी के नौजवान बेनियाबाग चौराहे से मौन जुलूस के रूप में लोहराबीर आजाद पार्क तक हम लोग जाएंगे और ये संदेश बनारस के लोगों को, आमजन के लोगों को देंगे कि ये योगी और मोदी की सरकार जो कहती थी बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये बताने का काम करेंगे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार, योगी सरकार। इस नारे के साथ, इस सोच के साथ आज हम लोग बनारस की धरती पे बनारस के लोगों को जागरूक करेंगे कि अब हमें नहीं चाहिए मोदी और योगी की सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब नहीं चाहिए मुझे मोदी और योगी सरकार। जय हिंद, जय समाज।